आज हम आए हुए हैं BMW के इवेंट में, जहाँ पे कि ये जो बाइक्स हैं ये लॉन्च हो गई हैं। चार बाइक्स हैं, तीन बाइक्स नहीं है, एक उसका कलर है। तो आओ चलो इसकी डिटेल देखते हैं, फिर बात करेंगे आगे। पे होने वाली है BMW की न्यू बाइक, जिसको ये बोल रहा है एडवेंचर एवरी कर्व लॉन्च, और ये हो गया है लॉन्च। ये है BMW की F850 GS, और इसके अंदर ये जो देख रहे हो ना, ये दो कलर है इसके अंदर अलग अलग टाइप्स के। अब ये जो GSA वाली कैटेगरी है, ये एडवेंचर स्पोर्ट्स टूरर या फिर एडवेंचर बाइक के लिए ये मानी जाती है। टूरिंग भी कर सकते हो और ज़्यादा एडवेंचर हार्डकोर एडवेंचर ऑफ रोडिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो। अब इसके अगर टेक्निकल डेटा पे आ जाए ना, तो वाटर कूल्ड है ये, 4-stroke इनलाइन 2-cylinder इंजन है इसके अंदर, यानी कि साउंड अच्छा होने वाला है इस बारी। और 4 valve per cylinder, 2 overheads, कैम शाफ्ट, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन के साथ में है। अब ये जिन लोगों को समझ आया हुआ अब जो है इसकी कैपेसिटी जो है ना, डिस्प्लेसमेंट जो बोलते हैं, वो है 853 cc की। रेटेड आउटपुट ये निकाल देता है 95 bhp, यानी कि 70 kW की है। जो पावर है वो आपको दे देगी एट 8250, यानी कि 8250 rpm पे। तो यहाँ पे जो है ना, बहुत भीड़ लगी हुई है, इसलिए हम थोड़े से सेपरेटली खड़े हुए हैं यहाँ पे, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, आपको भी एक बार तो आना चाहिए। चलो अब चलते हैं दोबारा से बाइकों के पास। मैक्सिमम टॉर्क इसका इंटरेस्टिंग है, वो है 92 Nm एट 6250 rpm पर। मैक्स स्पीड ये क्लॉक करेगी 197 km/h ही है, वो तो राइडर के ऊपर है, वो इसको इतनी भी भगा पाता है या फिर इससे कम ही भगा पाता है। वेट है इसका 248 kg। सीट हाइट है इसकी 875 mm की। यूजेबल टैंक वॉल्यूम इसकी बहुत ही बढ़िया है, जो कि है 23 liters की। अब ये जो 23 liter का टैंक है ना, ये इतना अच्छा है कि एक बार इसको फिल कराओ और बस लंबे चले जाओ घूमने के लिए, कोई टेंशन नहीं है। रिजर्व इसमें है अप्रॉक्स 3.5 लीटर का ये रिजर्व टैंक रखती है अपने पास में। और जो व्हील्स हैं इसके, वो क्रॉस स्पोक व्हील्स हैं, यानी कि स्पोक्स व्हील्स मिलेंगे इसके अंदर ऑफ रोडिंग के लिए, वही बढ़िया होते हैं तो कंपनीज वही देती हैं। जो टायर फ्रंट है वो 90-90-21 का आपको टायर मिलता है, अगला टायर बहुत बड़ा है भाई। और रे टायर जो है ना, वो 150-17 R17 का मिलता है, तो ये जो है ये भी ठीक ठाक ही टायर है। 2-cylinder इंजन है इसमें, एंटी होपिंग क्लच है, वही सेम जो है यूरो 5 के एमिशन के साथ में आती है। ABS प्रो वाला है इसके अंदर, और BMW मोटर आर्ट ABS वही प्रो वाला ही वर्जन है इसके अंदर। और यहाँ पे रेयर प्रीलोड एडजस्टर भी है, क्रॉस स्पोक व्हील्स हैं, स्टीयरिंग स्टेबलाइजर है, अपसाइड डाउन फोक्स है, रेयर सस्पेंशन, स्ट्रट विथ ट्रैवल डैम्पर डैम्पिंग WAD का भी सपोर्ट है इसमें। अच्छा, इसके अंदर रेवोल्यूशन काउंटर भी है, डायनेमिक ब्रेक लाइट्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक इमोबिलाइजर भी है, LED फ्लैशिंग टर्न इंडिकेटर्स भी हैं, LED टेल लाइट्स भी है, LED हेडलाइट्स भी है, मल्टी कंट्रोलर है इसके अंदर, 12 वोल्ट सॉकेट भी मिलेगा, और USB चार्जिंग का एक सपोर्ट भी मिलता है, जो USB चार्जिंग इंटरफेस ही बोलता है। अब गाइस, इसमें जो है ना, ऑन बोर्ड कंप्यूटर, राइडिंग मोड्स, लगेज रैक, एडजस्टेबल फ्रंट एंड ब्रेक लीवर, ये ज़्यादातर चीज़ें तो वही हैं, बस मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये जो है BMW F850 GS एडवेंचर, ये जो स्टाइल है इसका, इसको बोलते हैं रैली। कलामाता मेटालिक मैट के अंदर आती है, इसके अंदर एक दूसरा कलर भी आता है जो कि है स्टाइलिश ट्रिपल ब्लैक, ब्लैक स्टॉर्म मेटालिक। क्या तो नाम रख दिया BMW ने। तो गाइस, यहाँ पे गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इतने सारे बाइकर्स के साथ में रहना और इन सब सोसाइटीज़ वगैरह को इन्जॉय करना, इसमें बहुत मज़ा आता है। और ये जो बाइक्स है ना BMW की, ये तो हम बस देख रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं, बाकी क्या इसकी जो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है, वो जब ये टेस्ट राइड होंगी तभी पता चलेगा। तो दोस्तों, ये जो बाइक है ना, इसका नाम है BMW F900 XR, स्पोर्ट्स स्टाइल रेसिंग रेड कलर है ये इसका। और ये मिलेगी जो इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट है, वो है 16,667 रुपये का, मतलब ऐसे 16 lakh rupees समझ लो आप। और जो आपको प्रो वेरिएंट जो इसका मिलेगा ना, वो मिलेगा 18 lakhs का, यानी कि 16 से 18 lakh rupees तक की ये मोटरसाइकिल है आपके सामने। अब इसमें जो है सीट हाइट है इसकी 825 mm की सीट हाइट है इसकी, तो मतलब समझ रहे हो कि काफ़ी अच्छी है, मतलब निकल सकते हैं। अभी देखो, ये लॉन्च हुई है, अभी तो पता चलेगा जैसे ही लोगों के पास में आएंगी ये, और क्या क्या होता है इसके साथ में। कैपेसिटी है इसकी 895 cc की, और रेटेड आउटपुट निकालती है 77 kW का, यानी कि 105 bhp की पावर निकाल देती है ये 8,500, यानी कि 8,500 rpm पे। और जो इसकी मैक्स टॉर्क निकलता है ना, वो 92 Nm निकलता है एट 6,500 rpm पर। मैक्स स्पीड ओवर ये क्लॉक कर देगी आपके 200 km/h तक। भाई 200 km/h तक ऐसी एडवेंचर बाइक पे जाना तो थोड़ा सा एबनॉर्मल है, लेकिन हाँ, कुछ लोग चले जाते हैं। वेट इसका है 219 kg। यूजेबल टैंक वॉल्यूम इसका बताते हैं कि इसके अंदर जो पेट्रोल है वो कितना आ जाएगा, वो है 15.5 लीटर, यानी कि 15.5 लीटर का इसका टैंक है। और एवरेज का तो देखो कुछ है नहीं इसका, ठीक है। रिजर्व के अंदर जो इसके आते हैं ना, वो 3.5 लीटर है, इट मीन्स की 3.5 लीटर
जो इसका रिजर्व टैंक है वो है। जो इसके अलॉय व्हील्स आप देख रहे हैं ना, ये कास्ट एल्यूमिनियम व्हील्स हैं, वही BMW के पुराने व्हील्स ही हैं। फ्रंट टायर है इसका 120 यानी कि 120/70 ZR17 इंच के टायर हैं। अगले वाले की विथ है 120 और उसकी प्रोफाइल है 70। रेयर टायर है इसका 180 का, यानी कि इसका रेयर टायर काफ़ी अच्छा है। तो रेयर टायर की जो विथ है वो 180 है, 55 उसकी प्रोफाइल है, यानी कि प्रोफाइल थोड़ी छोटी है, और ZR17 इंच का वो टायर है। अगर इंजन की बात करूँ ना, तो इसमें एंटी होपिंग क्लच टू सिलेंडर इंजन का यूज़ किया हुआ है। और BMW के इंजन जो टू सिलेंडर वाले होते हैं ना, इनका थोड़ा सा साउंड थोड़ा सा अजीब सा होता है, लेकिन स्मूथ होते हैं बहुत ज़्यादा ये। अब इसके अंदर ये जो सस्पेंशन है ये भी कास्ट एल्यूमिनियम व्हील्स के साथ में, अपसाइड डाउन ऑटोमेटिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ में, BMW मोटरार्ड ABS के साथ में, रेयर प्रीलोड एडजस्टमेंट और रेयर रीबाउंड एडजस्टेबल अपसाइड डाउन फोक स्टीयरिंग स्टेबलाइजर के साथ में ये आपको मिलती है। मतलब समझ रहे हो कितनी सारी चीजें जो है एडवेंचर के लिए ये मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें ना, तो डायनेमिक ब्रेक लाइट्स है इसके अंदर। मतलब वो जो लाइट्स होती है ना, वो स्पीड के हिसाब से कंट्रोल होती है। नॉर्मली तो वो नॉर्मल चलेगी, और जब हाई स्पीड के अंदर बंदा होगा तो वो ज़्यादा ब्लिंक करेगी, और वो डायनेमिक लाइट्स होती है बेसिकली, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इमोबिलाइजर कलर TFT स्क्रीन है इसके अंदर, यानी कि इंजन के अंदर इमोबिलाइजर सिस्टम भी है। कंफर्ट टर्न इंडिकेटर्स हैं, LED फ्लैशिंग टर्न इंडिकेटर्स भी, मतलब LED टर्न इंडिकेटर्स इसके अंदर मिलेंगे। LED टेल लाइट है, LED हेडलैम्प्स है। अब इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो है राइडिंग मोड्स हैं इसके अंदर, हैंड ब्रेक लीवर है एडजस्टेबल, ठीक है, क्लच लीवर एडजस्टेबल है इसके अंदर, मतलब फ्रंट और जो आपका क्लच का जो लीवर है ना वो एडजस्टेबल आपको मिलेगा। वन पीस सीट है, ठीक है, बेंच टाइप वो सीट होती है, और जो विंडस्क्रीन है इसकी वो एडजस्टेबल है। F900XR के अंदर दो कलर हैं, एक है रेसिंग रेड और दूसरा है लाइट वाइट। दोनों ही जो कलर्स है ना, दोनों अच्छे तो लग रहे हैं अभी लॉन्च के वक्त, बाकी आगे देखते हैं। तो जी ये जो बाइक जो लॉन्च हो गई, ये तो हमने आपको दिखा दी। आप कमेंट करके बताना कि टेस्ट राइड इसकी करनी चाहिए या फिर नहीं। हमारा काम था आपको वीडियो बना के दिखाना, आपका काम है लाइक सब्सक्राइब शेयर कर जाना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ, तब तक के लिए ओए साउंड, ये भूसा का साउंड है, एग्जॉस्ट लगवा रखे वो खड़ी, दूर से ही पता चल जाता है हाया भूसा का साउंड। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत अच्छे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।